Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to my channel. So now we are going to start with question number 5 of exercise 4.3. The question says, from the choices given below, choose the equation whose graph are given in the figure 4.6 and 4.7. So, two figure दे रखी हैं और कुछ equations दे रखी हैं. हमें बताना है कि ये जो equation है, क्या वो इस graph की है या नहीं. तो आपकी कैसे पता चलेगा, देखो. फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू x. सबसे इजी ये फर्स्ट पार्ट ही है हमारा, y इक्वल्स टू x. अगर देखो यहाँ पे जो भी ये पॉइंट्स है वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये ग्राफ इसका है, अदरवाइज नहीं. जैसे कि अभी मैं आपको आगे पार्ट्स कराऊंगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट ही है -1 और 1, तो इसमें हमारे पास एक्स है -1 और वाई है 1. क्लियरली हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे जो लिखा है y equals to x, ये satisfy नहीं कर रहा. मतलब ये जो एक पॉइंट है वो ही इस इक्वेशन का नहीं है. और अगर इन तीनों में से एक भी पॉइंट ऐसा है जो इस इक्वेशन का नहीं है तो मतलब कि ये इक्वेशन का ग्राफ नहीं हो सकता. सो दिस विल बी नो, ये ग्राफ नहीं है. सेकेंड पार्ट में आते हैं, x plus y equals to 0. एक एक करके पॉइंट लेंगे. पहला पॉइंट है -1 और 1. सो एक्स -1 + y + 1, सो ये आ गया 0 हमारा. सो मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसने सेटिस्फाई कर दी इस इक्वेशन को. सेकेंड पॉइंट लेते हैं 0 और 0, अगेन वैल्यूज पुट करते हैं तो x + y, 0 + y = 0 आ गया हमारे पास, है ना. तो मतलब ये जो सेकेंड पॉइंट है उसने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया. लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा है 1 और -1. फिर से वैल्यूज पुट करते हैं, x की जगह रखा हमने 1 प्लस y की जगह रखा -1, तो ये भी आ गया 1 - 1, मतलब 0. सो दैट मींस तीनों पॉइंट में हमने देखा कि आंसर इस ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. और अगर तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. थर्ड पार्ट में है y = 2x. सेम पॉइंट्स है, बस यहाँ पे लग के लिख के देखना है. तो -1 और 1, सो y = 2x. y की जगह रख के देखते हैं, y रखा हमने 1 और यहाँ पे 2x, या चलो y नहीं रखते, 2x ही निकालते सिंपल. 2x की जगह रखा -1, सो ये आ गया 2 1 2 और माइनस. तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, -2, जबकि y हमारा 1 है. तो मतलब ये ही पॉइंट जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये ग्राफ इस इक्वेशन का नहीं हो सकता. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. फोर्थ पार्ट में है 2 + 3y = 7x. अगेन वैल्यूज पुट करनी है, पहला ले लेते हैं -1 और 1. सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें. पहले हमारे पास है 2 + 3y, मतलब 2 + y की जगह 1 पुट किया, ये आ गया 2 + 3 = 3. सो 3 + 2 = 5. अब राइट हैंड साइड लेते हैं, हमारी राइट हैंड साइड है 7x. तो x हमारा है -1, ये हमारा आ गया -7. आप देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता. और अगर एक भी पॉइंट है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं हो सकता. क्योंकि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ होगा तो जितने भी पॉइंट होंगे वो इसके सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. अब हमें जो अब फिगर चेंज हो गई हमारी, 4.7 फिगर है, इसके हिसाब से देखना है. तो पहला है y = x + 2 इक्वेशन. पहला पॉइंट ले लेते हैं -1 और 3. सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, y = है x + 2. x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -1 + 2, तो क्या आया यहाँ पे इसके हिसाब से y हमारा आएगा 2, में से -1 करोगे तो 1, जबकि y हमारा 3 है. दैट मीन्स पहला पॉइंट ही हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये इक्वेशन नहीं हो सकती. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, y = x - 2. तो पहला पॉइंट है -1 3, ये करके देखते हैं तो y = x - 2, ये हो जाएगा x. अच्छा सॉरी, x की तो वैल्यू ही लिखनी है. x है हमारा -1 - 2, तो ये आ गया -2 + 1 = 3. लेकिन माइनस का ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि 3 आ गया तो हाँ ये y = 3 है, ये -3 आया है. दैट मीन्स अगेन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई
नहीं किया इस पॉइंट ने, तो ये इसका ग्राफ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू। सो जी अगेन पॉइंट लेते हैं माइनस वन और थ्री, वैल्यू पुट करते हैं। सो y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स क्या है माइनस वन प्लस टू, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, वन प्लस टू हमारा थ्री आ गया। सो y इक्वल्स टू थ्री आया, करेक्ट है, मतलब ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड पॉइंट लेते हैं जीरो और टू। सो अब यहाँ पे अगेन y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू, सो ये हो गया जी y इक्वल्स टू, यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है ना, तो माइनस एक्स की जगह जीरो ही है प्लस टू, तो y मेरा क्या आया टू। अगेन हम देख रहे हैं y टू ही है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट पॉइंट है टू जीरो, सो अगेन y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू, तो जी माइनस एक्स की जगह टू प्लस टू कैंसिल हो गए दोनों, इक्वल्स टू जीरो आ गया विच इज y। सो दैट मीन्स ये पॉइंट भी हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिंस तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो इसी इक्वेशन का होगा। ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में है x प्लस टू वाई इक्वल्स टू सिक्स। तो जी पहला पॉइंट ले लिया माइनस वन और थ्री, तो x है, इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस टू वाई इक्वल्स टू सिक्स, x और y की वैल्यू पुट करते हैं, अगर सिक्स आ गई तो मतलब सेटिस्फाई करेगा। x है माइनस वन प्लस टू वाई है थ्री, माइनस वन प्लस थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस वन माइनस फाइव आ गया, सो देयरफॉर सिक्स के इक्वल नहीं है, तो मतलब पहले पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो मतलब इसका ग्राफ नहीं हो सकता। ओके, सो ये आई थिंक हमारा लास्ट पार्ट था। यस, सो दिस वाज दी लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। अब आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल अगेन इन दी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।